मिलिए मेजर मोहित शर्मा से, जो कि अपने देश के लिए आतंकवादी बन गए थे। जब इंडियन आर्मी को यह बात पता चली कि पाकिस्तान के सोफिया सिटी में कुछ हिजबुल के कमांडर आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस वक्त मोहित शर्मा को एक ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। उस ऑपरेशन के लिए मोहित शर्मा को आतंकवादी की तरह दिखना था और उन्होंने अपना नाम बदलकर इफ्तिकार भट्ट रख लिया। पाकिस्तान में मोहित शर्मा पहुंचने के बाद कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने उनके भाई को मारा है और उन्हें इंडियन आर्मी से बदला लेना है। एक बार को तो हिजबुल के कमांडर अबू तरारा और अबू बकर को इनके ऊपर शक हो गया, लेकिन मेजर मोहित शर्मा ने कहा कि अगर आपको मेरे ऊपर शक है तो गोली मार दो। यह बात सुनकर अबू तरारा को उनके ऊपर विश्वास हो गया, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर मोहित शर्मा ने अपनी 9mm की पिस्टल से अबू तरारा और अबू बकर को शूट कर दिया और उनके हथियार लेकर इंडिया वापस लौट गए। इनके ऊपर एक मूवी बन रही है जिसका नाम इफ्तिकार है और इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जो कि है इंडियन मोस्ट फियरलेस 2।